बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में आकर राजीव चंद्रशेखर खुश होंगे या टेंशन में? पहली बात यह है कि राजीव चंद्रशेखर ने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, खांटी पॉलिटिशियन नहीं है, राजनीति में आए जरूर लेकिन बीजेपी की उंगली पकड़कर नहीं। ऐसे राज्य केरल से आते हैं जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। इतना सब होते हुए भी बीजेपी ने मोदी सरकार के हाईटेक मंत्री राजीव चंद्रशेखर को केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चुना है। राजीव चंद्रशेखर और शशि थरूर में कॉमन बात यह है कि दोनों करियर पॉलिटिशियन नहीं दे रहे राजीव चंद्रशेखर कंप्यूटर इंजीनियर रहने के बाद बिजनेसमैन बने और फिर पॉलिटिक्स में आए। शशि थरूर डिप्लोमेट रहे, यूएन में महासचिव का चुनाव तक लड़ने के बाद पॉलिटिक्स में आकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। राजीव चंद्रशेखर मोदी सरकार में स्किल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालयों के राज्य मंत्री हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मलयाली परिवार में जन्मे, हालांकि उनका परिवार केरल त्रिशूर का है। विकिपीडिया के मुताबिक उनके पिता एमके चंद्रशेखर वायुसेना में एयर कमांडो रहे और राजेश पायलट के ट्रेनर रहे। कंप्यूटर साइंस में मास्टर चंद्रशेखर ने करियर की शुरुआत अमेरिका में इंटेल कंपनी से की थी, बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट भी किया। भारत लौटकर उन्होंने बीपीएल नाम की कंपनी बनाई जो टेलीकॉम और टेलीविजन कंपनी थी। राजीव केरल की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी एशिया नेट के मालिक हैं। इतना सब करने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने राजनीति का रुख किया। दो बार निर्दलीय रहकर 2018 में बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 2021 से मंत्री बनने के बाद मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन पर काम कर रहे राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा है। तिरुवनंतपुरम सीट पर राजीव चंद्रशेखर को उतार कर बीजेपी ने इतना इंतजाम तो कर दिया कि शशि थरूर आसानी से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। शशि थरूर 2009 से 3 चुनाव तिरुवनंतपुरम सीट से जीत चुके हैं। अभी कांग्रेस ने किसी का टिकट अनाउंस नहीं किया है। चौथी बार भी टिकट मिला तो चौथी बार भी जीतने की कोशिश करेंगे। पिछले 3 चुनावों में 3,04,000 वोट पाकर चुनाव जीत चुके हैं। केरल का हिसाब किताब बीजेपी हाईकमान को भी मालूम है। राजीव चंद्रशेखर की फील्डिंग कुछ सोच समझ कर की गई है। शशि थरूर के खिलाफ हाई प्रोफाइल उम्मीदवार उतारने के बैकग्राउंड का ये है कि पिछले 3 चुनावों में बीजेपी जीती भले ना हो लेकिन तिरुवनंतपुरम सीट पर थरूर को बढ़िया मुकाबला देती जरूर रही है। 2019 के चुनाव में थरूर की 1,00,000 वोटों से जीत के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार राजा शेखरन को 3,00,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2014 में वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे ओ राजगोपाल ने बड़ी टक्कर दी थी। करीब 21% के वोट शेयर के जंप के साथ राजगोपाल सिर्फ 15,000 वोटों से हारे थे। उनको 32% से ज्यादा और 2,82,000 वोट मिले थे। 2009 में बीजेपी के कृष्णा दास सीपीआई बीएसपी से भी पीछे रहे लेकिन करीब 12% पाने में कामयाब रहे थे। केरल कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है जहां बीजेपी की आज तक दाल नहीं गली। जब पूरे देश में मोदी की लहर चलती है तब केरल में कोई असर नहीं दिखता। मोदी के वक्त में 10 साल की कोशिशों के बाद भी बीजेपी एक अदद जीत के लिए तरस रही है। इस साल हर महीने मोदी केरल आकर मोदी गारंटी का वादा कर रहे हैं लेकिन अभी ओपिनियन पोल या सर्वे में भी बीजेपी को हवा मिलती नहीं दिख रही है।